आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नैना आंटी को। नैना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। कोटि प्रणाम गुरु जी की प्यारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। कलयुग में गुरु जी महाशिव का अवतार लेकर संगत का कल्याण करने आए हैं। सारी संगत को इस खास महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। सो स्पेशल मंथ है सबके लिए। इस महीने में गुरु जी का बर्थडे था, गुरु पूर्णिमा थी और सावन का महीना चल रहा है। शिव जी को सावन का महीना बहुत ही प्रिय था। मंदिर में गुरु जी का बर्थडे और गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया गया है। थैंक्स टू द बड़ा मंदिर मैनेजमेंट फॉर दैट। गुरु जी का जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। गुरु जी कहते हैं कि जो इस मंदिर में आता है मैं उसका भी कल्याण करता हूं और जो इस मंदिर के आसपास से निकल जाए उसका भी मैं कल्याण करता हूं। पहले है तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो इस खास महीने में मुझे बड़े मंदिर में सत्संग की सेवा का मौका दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते थे जो सत्संग करता है उसका भी मैं कल्याण करता हूँ, जो सत्संग सुनता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। दोनों तरफ से कल्याण और ब्लेसिंग चलती रहती है। हमारा परिवार पर गुरु जी की बहुत मेहर है क्योंकि हमारा सारा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे बहन भाई ब्रदर्स सिस्टर्स सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और हमको बड़े मंदिर में सेवा का अवसर भी मिला था। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2007 मई के महीने में स्टार्ट हुई थी। माई यंगर सिस्टर हैड काइंडली टेकन परमिशन फ्रॉम गुरु जी टू ब्रिंग अस टू बड़े मंदिर Empire State Mandir to seek his divine blessing and darshan. हम मई 17 को गुरु जी के Empire State Mandir गए उनकी blessing लेने के लिए। गुरु जी महाराज पैंट और टी शर्ट में साइडबोर्ड के ऊपर बैठे थे। वे अब थोड़ी देर के बाद अपने रूम में गए और एक ब्यूटीफुल चोला पहनकर आए और अपनी गद्दी में बैठ गए। उनके फेस में इतना नूर था और दरबार में पॉजिटिव वाइब्रेशन और फ्रेग्रेंस, शब्द कीर्तन चल रहा था। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड द एनवायरमेंट वर वेरी प्योर। हमको समझ ही नहीं आया कि हम कहां बैठे हैं। हम दोनों ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका, गुरु जी से ब्लेसिंग ली। अंकल को गुरु जी ने ज्यादा ब्लेस किया क्योंकि वो किसी चीज को मानते ही नहीं थे, नॉन रिलीजियस थे, नॉन बिलीवर थे, कभी मंदिर गए नहीं थे। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ एंड देयर वॉज नो लुकिंग बैक। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। I was asked by Sevadar to sit down. I wonder if I could sit because mere ghutnon mein itni dard hoti thi ki main niche baith hi nahi sakti thi. To my surprise, I sat down and I sat down for 3 hours. Shabad Kirtan sunti rahi. Jab main uthi, there was no sign of pain. Sangat ji, ये कौन कर सकता है सिवाय गुरु महाराज के? गुरु महाराज की मेहर सारी संगत के ऊपर है।
है और रहेगी। ये अंकल का रिलेटेड सत्संग है। अंकल को गुरुजी के लोटस फीट की बहुत इच्छा थी। जब हम मंदिर जाते थे वो यही मन में सोचते थे, विश करते थे कि मेरे को कहीं से लोटस फीट मिल जाए। एक दिन हम मंदिर गए, माथा टेका, ब्लेसिंग ली और लंगर प्रसाद किया और घर की तरफ वापस आ गए। संगत में से कोई आया, उनके हाथ में एक एनवलप दे दिया। वो एनवलप में गुरु महाराज के लोटस फीट की फोटो थी। अंकल ने निकाली, माथे में लगाई और जय गुरुजी बोला। मेरी छोटी बेटी के बॉडी में सारी रैश निकल गई थी। गुरुजी ने रात को उसको ड्रीम में दिखाया कि बड़े मंदिर आज ब्लेसिंग के लिए, वो नहीं गई। सेकेंड डे फिर उसको गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि मंदिर आई, वो संगत जी नहीं गए। थर्ड डे गुरुजी ने उसको गुस्से से बोला कि तू मंदिर क्यों नहीं आती। संगत जी वो डर के बैठ गई और सवेरे ही वो मंदिर गई गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी को माथा टेका, बाहर आई, इट वॉज नॉन संगत डे और प्रसाद कहाँ से मिलेगा, वही सोच रही थी। कोई आया, उसको लड्डू प्रसाद दिया और गुरुजी की फोटो दी। थैंक्स गुरुजी फॉर दैट। गुरु महाराज हैज चेंज्ड आवर लाइफ फॉर बेटर एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। ही हैज टेकन अस फ्रॉम मेनी एडवर्स सिचुएशन। थैंक्स टू गुरुजी। मेरा नेफ्यू मारुतिस में काम करता था, उसको किसी लेबर से COVID-19 हो गया था। वह घर में आया, उसको बहुत तेज बुखार था, एक हुआ, दो, फिर तीन। डॉक्टर ने उसको बताया कि हॉस्पिटल जाओ और एक्सरे करा के आओ लंग्स की। वो हॉस्पिटल गया और लंग्स की एक्सरे कराई, लंग्स में बहुत इन्फेक्शन निकली। डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, परंतु वह हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह हॉस्पिटल की कंडीशन देख के आया था कि बहुत खराब है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अपने घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लो और अटेंडेंट रख लो। वह रात को सो गया, उसका गला इतना सूखा हुआ था कि वो सांस ले पाता ही नहीं था। वह उठ के बैठ गया, किसी ने उसको पीठ में थपथपाया और उसके मुंह से कुछ निकला और उसकी सांस वापस आई। उसने जय गुरुजी कहा। गुरु उसकी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया और जो ऑक्सीजन सिलेंडर पास पड़ा था वो भी यूज नहीं हुआ। गुरुजी ने उसको सेकेंड लाइफ दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की मेहर सारी संगत के ऊपर रहेगी। मेरे अंकल के फीट गर्मी सर्दी में इतने ठंडे हो जाते थे कि उनको गर्मियों में भी बॉटल रखनी पड़ती थी या पैर मलने पड़ते थे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। नेक्स्ट डे मेरे घर में सत्संग था, एक आंटी आई और कहती है कि अंकल कैसे हैं। मैंने बोला आपको कैसे पता कि अंकल की तबीयत कैसे खराब हो गई थी लास्ट नाइट। कहती है मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि वो आपके घर में आए हैं और अंकल के रूप में गए हैं और अंकल की प्रॉब्लम ठीक करी है उन्होंने। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हाउ मेनी टाइम्स आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स टू गुरुजी, इट सीम्स नॉट टू बी इनफ। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करो कम लगता है। मैं, मेरी भाभी, अंकल और मेरा ब्रदर
दोनों सारे डुगरी मंदिर गए गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए। हम लोग गुरु जी के दरबार में पहुंचे, गुरु जी से ब्लेसिंग ली, शब्द कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद किया एंड वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली। रास्ते में ही हमारा इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि जिसके साथ हुआ वो वैन तो बिल्कुल अपसेट डाउन हो गई, पलट गई, टायर ऊपर चले गए और ड्राइवर नीचे आ गया। हम तो एकदम घबराई गए कि वो ड्राइवर को बहुत चोट लगी होगी। देखते देखते इतनी भीड़ की इकट्ठी हो गई कि सब ने ड्राइवर को बाहर निकाला और संगत जी मानो नहीं उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। गुरु जी का इतना शुक्राना है कि वो ड्राइवर बिल्कुल ठीक ठाक रहा। भीड़ में से कोई आया और उसने बोला कि हमको आप जल्दी से यहां से निकल जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी और केस बन जाएगा। हमारी गाड़ी इतनी डैमेज हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट होएगी कि नहीं होएगी। अंकल ने एक बारी में स्टार्ट कर दी और हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच के हम लोग मैकेनिक के पास गए गाड़ी लेकर। मैकेनिक कहता है ये गाड़ी को हुआ क्या, इतनी डैमेज है और पंजाब से कैसे आई ये गाड़ी, इस गाड़ी में कौन बैठा था। हम एक दूसरे को देखते रहे और वो समझ गया कि हम ही बैठे थे। मेरी भाभी को थोड़ी सी चोट आई सिर के ऊपर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। मेरे दोनों कानों में इन्फेक्शन हो गई थी एंड संगत जी मैं 2-3 दिन बिल्कुल सुन पाई नहीं थी। कोई मेरे साथ बात करता था मैं तो सिर हिला देती या हाँ या ना कर देती, किसी को बताया ही नहीं कि मेरा इतना तेज इन्फेक्शन हो गई है। मैंने अंकल को नेक्स्ट डे बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो वो मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरे को एग्जामिन किया और एक बड़ी लिस्ट मेडिसिन की लिख के दे दी और कहा कि मेरा कानों का ऑपरेशन होगा। संगत जी मैं तो एकदम डरी गई। मैंने उसको कहा कि क्या ये दवाइयों से इन्फेक्शन नहीं जाएगी। वो कहती है अगर गॉड भी आ जाए तो ये ये नहीं जाएगी, ऑपरेशन करना ही है। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था और पकड़ के जय गुरुजी बोलती रही। संगत जी ये आवाज मेरे दिल से निकली थी। 2-3 दिन के बाद मैंने सुनना भी शुरू कर दिया और ठीक भी हो गई मेडिसिन से। गुरुजी से सच्ची अरदास मन से करो, गुरुजी जरूर कबूल करते हैं। गुरुजी का लव टुवर्ड्स हिज संगत इज अनकंडीशनल। हम बड़े मंदिर से मैं और अंकल 11 बजे निकले। 4-5 किलोमीटर आने से हमारी गाड़ी रुकी गई, चले ही ना। मैकेनिक को बुलाया, सब ने ट्राई करी, गाड़ी चली नहीं और गाड़ी नहीं थी। अंकल और मैं बैठ गए। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खराब था। इतनी देर में एक गाड़ी आई, हमारी गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई। उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट करी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि हम कहाँ रहते हैं। हमने बताया कि हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने हंसना शुरू किया कि मैं भी आपके घर के पास ही रहता हूँ। उन्होंने अपनी गाड़ी में हमको बिठाया और सत्संग करना शुरू किया। कहते अंकल आज मौसम खराब होने के लिए मैं घर जल्दी जाना चाहता था लेकिन आई वॉज प्रॉम्प्टेड ट्वाइस टू सिट डाउन। और मैं मन ही मन में सोच रहा था ये क्यों और क्या हो रहा है, क्यों ऐसे मैं उठ नहीं पाता। कुछ देर के बाद वे उठे और चले और जब उन्होंने हमारी गाड़ी देखी खड़ी हुई है तो वो समझ गए सारी प्लानिंग गुरु महाराज की है। गुरु महाराज अपनी
संगत को किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। जय गुरु जी। गुरु जी का जितना गुणगान महिमा करो उतनी ही कम लगती है। एक दिन रात को हम मंदिर से फिर आ रहे थे, एक ट्रक हमको फॉलो कर रहा था। ट्रक का ड्राइवर ड्रंक था, वो कभी आस्ते हो जाता था और कभी स्लो कभी फास्ट। हम पेमेंट के साथ साथ ही चलते रहे। ट्रक एकदम स्पीड में आया, उसने हमारे डोर को जोर से काट दिया और अंकल एकदम ही सिर रख के व्हील के ऊपर बैठ गए। मैं अकेली थी, डर गई। मैंने अंकल को जोर जोर से हिलाया, ट्रक वाला तो भाग ही गया। अंकल थोड़ी देर के बाद ठीक हुए और सोचते रहे कि कैसे और क्यों और कैसे हुआ है। हमको एक स्क्रैच भी नहीं आया। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अक्सर पुरानी संगत से सुनती थी कि गुरु महाराज की हमने सेवा करी है, चरणों की सेवा करी है, उनका टांगों के में दबाया है। और मैं मन ही मन में सोचती थी कि मैंने गुरु महाराज की बिल्कुल सेवा नहीं करी, मैं भी करती तो कितना अच्छा होता। तो रात को गुरु जी मेरे को ड्रीम में आए, बैठे हुए हैं और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत की कितनी जल्दी सुन लेते हैं, वो एकदम हरदास कबूल कर लेते हैं। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। संगत जी, मेरी आईज की प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक आईज का रेटिना एकदम टेयर कर गया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन सजेस्ट किए और मेरे को कितने इंजेक्शन लगे कि मैं गिन भी नहीं सकी। फिर एक दिन डॉक्टर आ ही रहा था और मैं एकदम डर गई और मैंने बोला, गुरु महाराज आप क्या मेरे संग हो, मैंने इंजेक्शन और नहीं लगवाने, मेरे को बहुत डर लगता है, हर महीने इंजेक्शन लगता है। गुरु जी ने मेरी हरदास कबूल करी और इंजेक्शन लेने लगने बंद हो गए। 5-6 साल तो खूब मजे से निकले। फिर दूसरी आईज में भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई, दूसरी आई में भी इंजेक्शन लगे, पर साल में 2-3 लगते हैं। थैंक यू गुरु जी, वो 75% मेरी विजन रिस्टोर के लिए इंजेक्शन लगते हैं। थैंक यू गुरु जी सो मच फॉर, गुरु जी हैज चेंज्ड माय लाइफ इन मेनी वेज। सिंस गुरु जी हैज टेकन माय लाइफ इन हिज शरण, माय लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड। नो अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड शुक्राना बी इनफ टू थैंक गुरु जी। गुरु जी हैज टेकन माय लाइफ इन हिज हैंड्स। जे तू ना फड़दा मेरी बाह, असी रुल जाना सी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज की जय हो।